हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ मेरे चैनल डीएनए ऑफ मैथ्स में। तो स्टूडेंट्स, हम पढ़ रहे हैं सिंपलीफिकेशन, जो कि बैंक पीओ के अकॉर्डिंग हम पढ़ रहे हैं, बैंकिंग एग्जाम के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। आज हमारी सिंपलीफिकेशन की थर्ड क्लास है। इससे पहले हम दो क्लास पढ़ चुके हैं। होप आप सभी को वहाँ तक बात आ रही होगी समझ में। मैंने बोर्ड पर कुछ क्वेश्चन लिखे हुए हैं स्टूडेंट 1 to 8, ताकि हमारा टाइम बच सके। ठीक है, इनको सोल्व करते हैं। और जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले वाले दोनों लेक्चर देखें। और क्योंकि हम इससे पहले वाली क्लास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन जो हमें एग्जाम में फेस करने होते हैं वही पढ़ रहे हैं हम। और ये तभी आपको समझ में आएंगे जब आप स्टार्टिंग से लेके, जो मैं सारी बातें फंडामेंटल की 11 क्लास से डाल चुका हूँ, जो भी स्टूडेंट पहली बार इस लेक्चर को देखेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू से लेकर लास्ट तक फंडामेंटल की क्लास जरूर देखो, तभी आपको छोटी छोटी बात क्लियर हो जाएंगी। और हम ये जो क्वेश्चन कर रहे हैं, इन क्वेश्चन को करने के लिए मैं इसलिए करवा रहा हूँ भी ताकि एक आपका एक आईक्यू लेवल माइंड सेट हो जाएगी। हाँ, इन क्वेश्चनों को करने का हमारे पास तरीका क्या होता है, कैसा हमने इनको एग्जाम में देखना होता है, किस पॉइंट ऑफ व्यू पर देखना होता है। चलो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं अपना पहला क्वेश्चन जो आपको लिखा हुआ है। देखो, ये लिखा हुआ है हमारे पास 35 का स्क्वायर डिवाइड 125 का क्यूब रूट, 25 का स्क्वायर और 125। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, देखो इसको सोल्व करते हैं। अब स्टूडेंट गलती क्या कर जाएंगे, यहाँ 35 का स्क्वायर करने बैठ जाएंगे। मैं यहाँ सॉल्यूशन कर रहा हूँ पहले क्वेश्चन का। तो 35 का स्क्वायर का मतलब 35 × 35, जस्ट ये लिख दो, अपॉन में 125 का क्यूब रूट तो 5 होता है, डिवाइड बाय प्लस। अब ये बताओ 25 का स्क्वायर का मतलब 25 × 25 अपॉन डिवाइड बाय 125 और इज इक्वल टू, में क्वेश्चन मार्क इस एक्स की वैल्यू निकालनी है हमने। क्वेश्चन मार्क को मैंने हर जगह एक्स लिखा हुआ है, सही है। तो 5 × 7 = 35, अरे सही है, 25 × 5 = 125 और 5 × 5 = 25। आप भी बताओ, 7 × 3 = 21 और 7 × 5 = 35, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके 245 और प्लस में 5, तो स्टूडेंट हमारा आंसर 250 हो गया पहले क्वेश्चन का। 7 को इस 35 को हमने ब्रेक कर लिया 30 + 5 में, 7 × 3 = 21 और 7 × 5 = 35। तो होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में, जल्दी से नोट कर लो इसको। स्टूडेंट हमारे इस चैनल पे डीएनए ऑफ मैथ में हमारा मकसद सिर्फ एक ही होगा, सिर्फ पढ़ाई का पढ़ना, क्योंकि एग्जाम में इस प्रैक्टिकल ही क्वेश्चन, यही क्वेश्चन हमें फेस करने को मिलते हैं। और यही इसी बात आपने छोटी छोटी बातों को नोट करना कि मैं किस पॉइंट ऑफ व्यू पे क्वेश्चन को सोल्व करवाता हूँ। ठीक है, जल्दी से नोट करो। सेकेंड क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखो, x² − 65² = 160² − 90² और माइनस ये वैल्यू दे रखी है। तो देखो एक बार, x² ये सेकेंड क्वेश्चन का सॉल्यूशन है, प्लस अब आप ये बताओ 65 जब आप स्क्वायर करते हो, स्क्वायर में जहां भी लास्ट में 5 हो नोट डाल के लिख लेना, जहां भी लास्ट में क्या हो 5, तो इस 5 का तो स्क्वायर करते हैं स्टूडेंट, जहां भी लास्ट में 5 हो, डबल डिजिट में ट्रिपल डिजिट में 5 हो, तो 5 का स्क्वायर और फर्स्ट वाली वैल्यू क्या है 6, इसको एक आगे वाली वैल्यू से बढ़ा के मल्टीप्लाई कर देते हैं। 6 के आगे क्या होगा 7, तो 6 × 7 = 42, 6 × 7 = 42, यानी कि 65 का स्क्वायर हमारे पास क्या हो गया 4 × 225 = 16 का स्क्वायर हम जानते हैं 256 होता है, तो 256 और सिंगल जीरो है तो डबल जीरो हो जाएंगी, माइनस में 81 90 का स्क्वायर और माइनस में 7191, सही है। इस बात को नोट कर लेना, आपको सभी को पता ही होगी ये बात। तो देखो अब क्वेश्चन में सिर्फ प्लस माइनस ही बच गया है और कुछ नहीं बचा। अब आप ये बताओ, ये वैल्यू भी, ये वैल्यू प्लस है वहां के माइनस हो जाएगी, ये ऑलरेडी ये भी माइनस में, ये भी माइनस में, तो ऐसा होगा
8107191 और -4225 ये होगा, यानी कि तीनों माइनस में, तो तीनों को आपस में ऐड कर दो, साइन तो माइनस का ही रहेगा। अब ये तो 5 और 1 6, 6 कोई कैरी नहीं है, ये हम कर चुके हैं। ऐसे 2 और 9 11 और 0 11 11 का एक कैरी, 1 2 और 1 3 3 और 1 4 4 और 1 5, ठीक है, यहां तक आ चुके हो आप। 5 कोई कैरी नहीं है, 4 और 7 11 और 8 19, अरे सही है, इनको जोड़ दिया आपस में। और किस में से घटाना है स्टूडेंट्स, क्योंकि ये इसमें से माइनस हो जाएगा, 2 5 6 00 में से माइनस हो जाएगा, इज इक्वल टू में एक्स का स्क्वायर। जब आप इसमें से इसको घटा रहे होंगे तो अपने पास एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6084 ये आएगा, 6084, घटाना जोड़ करना इतना तो कर ही लोगे आप। अब ये बताओ स्क्वायर है तो यहाँ के स्क्वायर रूट, सही है। और स्क्वायर रूट, जो स्टूडेंट पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, ये तभी आपको सारी बातें समझ में आएंगी, क्योंकि अब मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे प्रैक्टिकल क्वेश्चन स्टार्ट हो चुके हैं। ये स्क्वायर, स्क्वायर रूट, क्यूब, क्यूब रूट मैं पहले 4 लेक्चरों में डाल चुका हूँ, परसेंटेज के ऊपर पूरे इंट्रोडक्शन के ऊपर पूरी 3 लेक्चर डाल चुका हूँ। जब आप शुरू से लेकर लास्ट तक, और हमारा जो चैनल में मैथ पढ़ाया जा रहा है प्रॉपर सीक्वेंस में पढ़ाया जा रहा है, आपको ऐसा फील होगा कि हम ऑफलाइन क्लास में पढ़ रहे हैं, डेली जाके पढ़ रहे हैं। आपने शुरू से लेकर लास्ट तक लेक्चर को देखने, अपना नोट्स तैयार करने हैं, और देखो फिर कितना मजा आता है इन क्वेश्चनों करते हुए। तो देखो बढ़ते हैं, स्क्वायर रूट में पीछे से 2 का पेयर और आगे सिंगल है डबल, उसको सर्कल करते हैं, ये लास्ट में क्या है 4, तो 4 या तो 2 के स्क्वायर पे हो सकता है या 8 के स्क्वायर पे हो सकता है, सही है। 60 से कम किसका स्क्वायर होता है, क्योंकि 8 का स्क्वायर ज्यादा होता है, तो 7 का स्क्वायर 49, 7 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो, 7 × 8 56, और 56 से 60 बढ़ा तो इन दोनों में बढ़ा 8, तो ये 78 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। एक बार नोट कर लेना स्टूडेंट जल्दी से, बढ़ते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 3, देखो क्वेश्चन नंबर 3, ये दिया हुआ है अपने पास 7 की पावर 2.3, 49 की पावर 4.7, ये और इज इक्वल टू में ये। तो क्वेश्चन सेट्स इंडाइसिस का है, और मैंने आपको बोला है कि हम राइट साइड वाली को टारगेट करते हैं, सही है। हमें कैसे ना कैसे करके लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड बेस इक्वल करना होता है, और बेस इक्वल हो गया तो हमारी पावर इक्वल हो जाती है, सही है। अब आप भी देखो, पहले तो मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा डिटेल में बता रहा हूँ, फिर आपको बताऊंगा कि इस क्वेश्चन को आपने टिप्स पे कैसे करना है, जल्दी से जल्दी कैसे करना है, इसकी अप्रोच क्या होगी। एक बार देखो डिटेल क्या होगी, 7 की पावर 2.3 मैं सॉल्यूशन कर रहा हूँ, और इस 49 को क्या लिख सकता हूँ मैं, 49 को 7 × 7 7 × 7 की होल पावर 4.7 63 को 7 × 9 लिख सकता हूँ। मोस्टली स्टूडेंट एक बार इसको ऐसे ही करोगे, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि अब ये देखो ये कितना टाइम कंज्यूमिंग हो जाएगा। और 81 9 × 9 की होल पावर 5.85 और इज इक्वल टू में 63 की पावर x, यानी कि स्टूडेंट मैक्सिमम क्या सोचेंगे कि हम सभी को क्या बना दें, 63 बना दें। तरीका ये भी अच्छा, लेकिन टाइम कितना लग जाएगा। हमारा मोटिव सिर्फ ये है कि टाइम कम से कम लगना है। कंपटीशन का मैथ में आपने बहुत बात, यही बात सीखने के लिए तो आप वीडियो देखते हो, ठीक है। अब आप ये बताओ, फिर आगे ऐसे कर रहे होंगे वो 7 की पावर 2.3 × 7 की पावर 4.7 × 7 की पावर 4.7, क्योंकि 7 × 7 ये होल पावर, ये इसकी भी पावर है, इसकी पावर है। फिर ऐसे सिंपली 7 की पावर 3.4 × 9 की पावर 3.4 ×
9 की पावर 5.85 और इंट में 9 की पावर 5.85 और इज इक्वल टू में ये एज इट इज, सही है। अब आप ये देखो, फिर आप ये देख रहे होंगे कि जो 7 बेस इक्वल है और मल्टीप्लाई में बेस सेम है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है, सही है। तो आप ये बताओ 7 जब आप इसको ऐड कर रहे होंगे, ये तो अपने पास 9.8 हो गया, 3.4 और 2.3 इनको भी जब आप ऐड कर रहे होंगे, 12 और 3 15 कैरी, 10 और 5 15 15.5, ये 15.5 हो गया। अरे सही है कि नहीं है, आ रही है बात समझ में। 98 34 ये हो गया क्योंकि बेस में मल्टीप्लाई में पावर ऐड कर दी और इनटू में। अब यहां भी देखो ये भी पावर ऐड हो जाएंगी जब आप इनको ऐड करोगे, 5.85 0 17 और ये 10 और 1 11 11.7 और प्लस में 3.4 ये 3.4 11 और ये अपने पास ये 15.1 क्लियर है। एक बार चेक कर लेते हैं कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। देखो ये इस ये 94 होगा 47 × 2 क्लियर है। तो ये भी अपने पास 15.1 और यहां भी ऐड करके कितना आया स्टूडेंट, 9 की पावर 15.1 और इज इक्वल टू 63 की पावर x, सही है। अब आप देखो 9 सत्ते क्योंकि पावर इक्वल है तो इकट्ठा मल्टीप्लाई करोगे, 9 सत्ते 63, 63 की पावर 15.1 इज इक्वल टू 63 की पावर x। अब आप ये देखो बेस इक्वल तो पावर इक्वल, तो x की वैल्यू अब जाके आई 15.1। अब आप ये देखो एक नंबर के क्वेश्चन के ऊपर कितनी माथापच्ची करनी पड़ी हमें डिटेल में, अगर हम डिटेल में गए। अब आप ये देखो एक बार इसको नोट कर लो, फिर मैं बताता हूं इसको क्वेश्चन को सोल्व कैसे करना है। आपने जो हमारी अप्रोच रहेगी, इतना नहीं लिखना आपने, देखो एक ही लाइन में क्वेश्चन का आंसर कैसे होता है, देखो एक बार। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखो, जो भी राइट साइड वाली वैल्यू है इसको टारगेट कर लो, ये क्या है अपना 63, क्या इस 63 को हम 7 × 9 की होल पावर एक्स, क्या ये 7 की पावर एक्स और 9 की पावर एक्स लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा। या तो सिर्फ 7 वाली वैल्यू को टारगेट कर लो या सिर्फ 9 वाली वैल्यू को टारगेट कर लो, आंसर आ जाएगा हमारा। अगर हम 7 को टारगेट करते हैं, देखो ये 7 तो है ही है, 7 की पावर 2.3 यहां पे भी 7 है, इंटू में 7 raised to power 2 की पावर 4.7 इसमें भी 7, आप ये देखो इसमें भी 7 है, 7 × 9 सिर्फ 7 को टारगेट करो, 9 को नहीं सिर्फ 7 को, तो ये इंटू में 7 की पावर 3.4 क्योंकि आगे इस ना इसमें 7 इस ना इस ये 9 था, ये तो ड्रॉप छोड़ दिया हमने। या तो आप सिर्फ 7 को टारगेट करो या सिर्फ 9 को टारगेट करो। अब आप ये बताओ ये पावर आपस में मल्टीप्लाई होंगी, 2.3 प्लस क्योंकि बेस से मल्टीप्लाई पावर ऐड 9.4 प्लस 3.4, ये सारा का सारा मामला किसके पावर में है, 7 की पावर में है। तो क्या 7 की पावर 15.1 इज इक्वल टू 7 की पावर एक्स, बेस से मल्टीप्लाई बेस सेम है तो पावर इक्वल, और यही अपना आंसर आया था कि नहीं आया था 15.1, सही है। ऐसे अगर आप 9 के रेफरेंस में करोगे तो भी हमारा आंसर यही आएगा, 63 के रेफरेंस में करोगे तो भी आंसर यही आएगा। तो क्यों ना हम राइट हैंड साइड वाली वैल्यू के टुकड़े करके फैक्टर करके किसी एक वैल्यू को उठा के आंसर लगा दे, सही है। तो आप ये देखो कितनी जल्दी और इतनी ये एक ही लाइन में क्वेश्चन सोल्व हो जाता है स्टूडेंट, अगर आप ध्यान से देखोगे। लिखो एक बार जल्दी से, क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे बढ़ते हैं।
होप आप सभी को बात आ रही होगी समझ में। फोर्थ देखो, अब फोर्थ क्वेश्चन में सिर्फ हमें वो ये जानना चाह रहा है 28 इंटू 48, 18 इंटू 38। पहले तो इसी चीज को देखते हैं हम भी। जब आप ये बताओ हमें क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में 28 इंटू में 48 ये लिखा हुआ है, क्लियर है। अब या तो एक काम करो, इसको क्या कर लो आप 50 माइनस 2 कर लो, अरे सही है। और 28 पंजे 140 होता है, अरे सही है कि नहीं है। तो ये 1400 और 28 दूनी 56, 56 निकाल दो इसमें से, क्लियर है। नाइन ये अपने पास 10, 10 में से 6 गया 4, और ये 9, ये 4 और ये 3 और ये 1, 1344 यानी इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में भी कैसे सोल्व कर दिया, क्लियर है। आगे देखो सेम ऐसे ही 18 गुणा में ये अपने पास 38 है, और इस 38 को भी क्या मैं 40 माइनस 2 लिख दूं और 18 चौके आप बोलोगे 72, और 18 दूनी 36 निकाल दिया। ये अपने पास 4, ये अपने पास 1, 8 और ये 6, 6 माइनस में 6 84, समझ रहे हो। यहां तक हम इसको सोल्व कर चुके हैं, और मेन बात ये थी समझाने वाली कि हाँ इसको हमने मल्टीप्लाई कैसे करना। हर छोटी छोटी बात तो हर क्वेश्चन में कुछ ना कुछ मिलता है, इसलिए बोलता हूं कि वीडियो को लास्ट तक देखा करो, क्लियर है। आगे देखो अब इस पार्ट पे, यानी कि जब आप इसमें से चलो इसमें माइनस कर लेते हैं पहले 684 0 14, ये अपने पास 6 और ये 6, इसको आपने सिंपलीफाई कर दिया पूरा, मल्टीप्लाई भी कर लिया माइनस भी कर लिया, ये डिवाइड है, यहाँ पे पहुंच गए हैं। अब आप ये बताओ 132, अब यहाँ देखो ध्यान से, ये सारा इसके डिवाइड में आएगा ये वैल्यू, तो डिवाइड लगा देते हैं, क्लियर है। अब आप मुझे एक बात बताओ, ये सिंपल ये 4 और 6 10 माइनस 8 ये 2, और जब इसको इसके साथ सोल्व करोगे तो 66, और 60 अपॉन में 66, तो क्या फ्रेंड्स आंसर इसका 10 नहीं हो जाएगा, क्लियर है। एक बार नोट कर लो जल्दी से, बढ़ते हैं देखो पांचवें क्वेश्चन पे। फिफ्थ क्वेश्चन देखो, और स्टूडेंट मैं ये सिंपलीफिकेशन इसलिए क्वेश्चन करवा रहा हूं, मोस्टली नहीं करवाए जाते प्रैक्टिकल क्वेश्चन, और ये 5 नंबर का टॉपिक है बड़ा, 5 मार्क्स। अगर बैंक का पेपर क्लियर करना है तो एक एक नंबर की बहुत इंपॉर्टेंस होती है, और ये तो 5 नंबर है। इसके बाद हमारा जो टॉपिक चलेगा सिंपलीफिकेशन एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से चले के ऊपर चलेगा सारा का सारा, जो एसएससी सीपीओ एसएससी सीजीएल सीपीओ में जिस लेवल के क्वेश्चन आते हैं उस लेवल पे, क्योंकि हमारा जो चैनल है डीएनए ऑफ मैथ, हमें यहाँ पूरा मैथ चाहे एसएससी का हो या बैंकिंग का हो मैं यहाँ कंप्लीट करवाने वाला हूँ, ठीक है। अब ये देखो पांचवा क्वेश्चन, अब अगर ये सारा क्वेश्चन प्लस माइनस में होता फिर तो इस फ्रैक्शन को सोल्व करने की जरूरत नहीं थी स्टूडेंट्स, ठीक है। अब यहाँ देखो हमें पता है प्लस से पहले मल्टीप्लाई सोल्व होगा और मल्टीप्लाई से पहले डिवाइड सोल्व होता है, लेकिन जब प्लस जब इस क्वेश्चन में मिक्स फ्रैक्शन में मल्टीप्लाई और डिवाइड आ जाते हैं तो इनको सिंपलीफाई करना जरूरी हो जाता है, यानी कि फ्रैक्शन में बदलना जरूरी हो जाता है। तो आप ये देखो अगर मैं इसको सोल्व करता हूँ 2 चौके 8 और 1 9 सिंपली 9/4 प्लस 7 21 और 4 25 25/7 मल्टीप्लाई 5 5 25 और 3 28 28/5 माइनस 4 5 8 चौके 32 और 5 37 37/8
अब यहां देखो ध्यान से, ये डिवाइड है, जहां भी आपको स्टूडेंट डिवाइड दिखे वैल्यू को रिवर्स कर दो, वैल्यू को क्या कर दो रिवर्स। 7 5 35 और 2 37, 37/5 को 37/5 को क्या 5/37 नहीं करोगे, रिवर्स कर दोगे 37/5 को, डिवाइड यानी कि इसके बटे में आएगा वैल्यू, रिवर्स हो जाएंगे एक ही बात है, और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। क्लियर है, आ रही है बात समझ में। अब देखो जो कटता है काट दो, 5 5 25 और 7 4 28, तो 9/4, 5 4 क्योंकि मल्टीप्लाई ये 20 20 माइनस, अब ये देखो 37 के साथ ये 37 और ये 5/8 बचा। होप आप सभी को पता चल गया होगा अभी कैसे सिंपलीफाई कर दिया हमने, वो छोटी सी बात है। अब एक बात देखो, ये 5/8 और ये 9, ये तो 20 तो प्लस में है ही है। अब मैं एक काम करता हूँ, 9/4 माइनस 5/8, यहाँ भी 8 बना लेते हैं, बेस इक्वल कर लेते हैं। बेस इक्वल कब होगा, जब ये इंटू 2 हो जाएगा। इसका फायदा क्या होगा, ऊपर जो भी प्लस है माइनस है डायरेक्ट हो जाता है क्योंकि बेस इक्वल हो गया है। 18 9 2 18 में से 5 घटाओगे तो 13/8, यानी कि इन दोनों को सोल्व करके ये आ गया, और प्लस में हमारे पास क्या है 20। स्टूडेंट्स आ रही होगी बात समझ में। अब ये 13/5 को भी, 13/8 को भी, हम 13/8 को भी हम क्या लिखेंगे, 8 के साथ 13 को 8 के साथ डिवाइड करो, 1:8 और 1:5/8 और प्लस में 20, और 20 और 1:21:5/8, क्योंकि इसी फॉर्म में इसके आंसर दिए हुए थे। तो ये आंसर है अपना स्टूडेंट पांचवें क्वेश्चन का, जल्दी से नोट कर लो। होप आप सभी को बात आ गई होगी समझ में। बढ़ते हैं देखो अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सिक्स्थ पे। सिक्स क्वेश्चन में फिर से देखो, वो क्वेश्चन में क्या जानना चाह रहा है हमसे कि परसेंटेज की नॉलेज है या नहीं स्टूडेंट को। क्लियर है। अब आप ये देखो 5%, क्या 5% की फ्रैक्शन 1/20 इंट में 280 नहीं होता, अरे सही है कि नहीं है। प्लस अब यहां देखो ये क्या है 22.5%, 22.5% को हम ब्रेक कर देते हैं 10% जमा 12.5%। क्लियर है। 10% की फ्रैक्शन 1/10 और 12.5% की फ्रैक्शन 1/8। क्लियर है। एलसीएम 8 10 और 8 का 40, 10 4 40 और 8 5 40, तो इस पूरी 5 और 4 9, तो फ्रैक्शन 9/40। एक बार ये नोट कर लेना स्टूडेंट भी, हाँ हमने इसको बदला कैसे है फ्रैक्शन में। क्लियर है। तो ये 9/40, देखो मैं हर छोटी छोटी बात बता रहा हूं, और इंट में 120 इज इक्वल टू में x%, परसेंट कितनी जीरो उड़ाता है, अपॉन में 100, यहां भी 400, तो ये परसेंट 2 जीरो उड़ा जाएगा और ये 4x हो जाएगा। अब ये देखो 6 point, ये जो वैल्यू है 6.25%, और ये जो 0.25 होता है स्टूडेंट, 0.25 क्या ये 1/4 नहीं होता, इसका मतलब ये क्या है 6:1/4%, क्या इसकी फ्रैक्शन 1/16 नहीं होती। ये आपको सारी बात मैं बता चुका हूँ जो मेरी परसेंटेज की क्लास है, जो स्टूडेंट पहली बार ये लेक्चर देख रहे हैं, इससे पहले वाले जो मैं मैथ के फंडामेंटल डाल चुका हूँ वो सारे देखे, आपको हर छोटी छोटी बात समझ में आ जाएगी, ये पता चल जाएगा कि हाँ इनका कैसे इनके परसेंटेज के साथ खेलना होता है हमें। तो आप ये बताओ, यहां लिख दें प्लस 1/16, क्योंकि इसकी फ्रैक्शन हमारे पास 1/16 और इंटू में 16। क्लियर है। एक बार ये बात नोट कर लेना स्टूडेंट, बस अब तो क्वेश्चन में सिर्फ काटना पीटना है हमने। देखो
इसके साथ ये कैंसिल, ये तो 14 हो गया, 0 चार तीय 12 और 9 तीय 27 और 14 41। आप ये देखो, ये 1 और 1 इंटू 1, 1 प्लस का 1 यहाँ के माइनस इज इक्वल टू 4x, तो ये 40 इज इक्वल टू 4x और ये 10, तो क्या x की वैल्यू 10 नहीं हो जाएगी? सिर्फ देखो क्वेश्चन में परसेंटेज का फ्रैक्शन में बदल गया, हमने कितने जल्दी सोल्व कर दिया क्वेश्चन, जल्दी से नोट करो इसको। बढ़ते हैं देखो अगले क्वेश्चन पे, सेवंथ पे। सेवंथ क्वेश्चन में भी देखो, अगर हम इसको सीधा सीधा मल्टीप्लाई करने लग जाएं तो क्वेश्चन कितना बड़ा हो जाएगा हमारे पास। समझ रहे हो, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर ये अपने पास आगे ये दे रखा है। तो अब आपने इस क्वेश्चन में ये समझना है, यहां थोड़ी मिस्टेक है इस क्वेश्चन में, एक बार मैं चेक कर लेता हूं। यहां इनटू में अपने पास, इस क्वेश्चन में थोड़ा नोट कर लेना स्टूडेंट, इनटू में अपने पास 90 भी है। मैं एक बार इसको यहां लिख देता हूं, इस क्वेश्चन को 101 इंटू में 98, ये सेवंथ क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, प्लस यहां सिर्फ ये बात नोट कर लेना इंटू में 90 भी है, आगे सारा सेम है क्वेश्चन, आगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अब आप ये देखो, जब भी हमारे पास इस कुछ ना कुछ पैटर्न दिया होगा, कैसे क्या पैटर्न है आपने देख के समझना है। यहां 101 है, क्या इसमें भी अपने पास 101 इंटू 2 नहीं है? यहां भी 101 है, यहां भी अपने पास 101 है और 101 है, तो क्या हम इस पूरे के पूरे 101 को कॉमन ले लें? ये तो 98 बचा, बीच में प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, 90 into 2 180, प्लस यहां तक सोल्व हो चुका है अपना, 101 बाहर आ गया, तो ये तो 300 है, प्लस ये अपने पास 101 बाहर आ गया, ये अपने पास 400 है, माइनस है तो माइनस, 101 बाहर आ चुका है, ये अपने पास 505 है। क्लियर है? अब आपने क्या करना है स्टूडेंट, देखो जो भी इसका अपने पास, इनको ऐड करके ये माइनस करके 101 के साथ मल्टी, और 101 को भी आप 100+1 में कन्वर्ट कर लेना, अपना आंसर आ जाएगा। जैसे अब इनको सोल्व करोगे तो ये अपने पास 477 और इनटू में 101 बचेगा, जब आप इसको सिंप्लीफाई कर लोगे। तो इसको हमने क्या लिख दिया, इस वाली वैल्यू को 100+1, यानी कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 47700, और इसको जब इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 477, और बस ऐड कर देंगे सिंपल, ये 7 ये 7 ये 11 ये 8 और ये 4, और यही आंसर होगा हमारा। एक बार प्लस माइनस में देख लेना भी क्या है क्या नहीं है, अगर कुछ कैलकुलेशन में मिस्टेक हो रही है, बाकी मैंने तरीका बता दिया भी ऐसे करना है इस क्वेश्चन को, ठीक है, नोट कर लो एक बार। बढ़ते हैं आठवें क्वेश्चन पे, अब देखो एट्थ वाला क्वेश्चन, अगर हम इस क्वेश्चन को डिटेल में देखें, अब मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि डिटेल में आप करके देख लेना, डिटेल में क्वेश्चन कितना यहां स्टार्ट होगा यहां खत्म होगा, इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, हमने सिर्फ क्वेश्चन की भाषा देखनी है। इज इक्वल टू में क्या लिखा हुआ है, 13, स्मार्ट वर्क करना है, इज इक्वल टू में 13। तो आप ये बताओ, क्या इस 216 की पावर 1/3 तो क्यूब रूट होता है, इसमें इसको जब आप सोल्व करोगे ये तो अपने पास 6 आएगा, और मैं एक बार ये क्वेश्चन लिख दू, 26 की पावर 4 इंटू में 39 की पावर 4, आगे ये वैल्यू लिखी हुई है, डिवाइड बाय 12 की पावर 4
इंटू में थ्री और इंट में टू की पावर माइनस थ्री, ये क्वेश्चन है। अब आपने सिर्फ ये देखना है कि हमने इज इक्वल टू में 13, जहां भी 13 है या 13 का कोई फैक्टर है सिर्फ उसको टारगेट करना, बाकी किसी को नहीं टारगेट करना, बाकी छोड़ देना है। क्या इस 6 में कोई 13 है? नहीं, छोड़ दो। इसमें कोई 13 है? आप बोलोगे बिल्कुल, इसको आप 13 गुणा 2 की पावर 4 लिख सकते हो 26 को। यहां भी 13 है अपने पास, 13 इंटू में 3 की पावर 4 ये लिख सकते हो। क्या यहां कोई आपको 13 का फैक्टर कहीं दिख रहा है? नहीं दिख रहा, इसको कैंसिल, छोड़ ही दो, इसका अपने पास कोई यूज नहीं है। अब आप ये बताओ, 13 को टारगेट करना है, ये 13 की पावर 4 इंटू में यहां भी 13 की पावर 4, क्योंकि इसके साथ तो कोई लेना देना नहीं है अपना, सिर्फ टारगेट किसको करना है? 13 को। तो 13 इज इक्वल टू में उसके अकॉर्डिंग सिर्फ 13 को निकाल लिया और इज इक्वल टू 13 की पावर x। क्या मल्टीप्लाई है, पावर ऐड नहीं हो जाएंगी? 13 की पावर 8 इज इक्वल टू 13 की पावर x, और x की वैल्यू क्या स्टूडेंट 8, क्योंकि बेस सेम, पावर इक्वल, और ये आंसर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर हम इसको इस भाषा में ना करें तो क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा, एक बार नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट डाल लेना इस क्वेश्चन के आगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चनों पे, नोट कर दो जल्दी से। तो स्टूडेंट बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चनों पे, 9 to 15, 1 to 8 हम क्वेश्चन कर चुके हैं। देखो एक बार नौवां क्वेश्चन, नौवें क्वेश्चन में अपने पास क्या दिया हुआ है, एक्स का स्क्वेयर रूट परसेंटेज ऑफ 1764 1764 का स्क्वेयर रूट। अब आप ये बताओ, जब हम मैं इसको सोल्व करता हूं, नाइन्थ यहां लिख रहा हूं मैं, रूट एक्स का रूट एक्स अभी कुछ नहीं कर सकते हम, परसेंटेज के नाम का 100 अपॉन में 100 लगा दिया, चलो मल्टीप्लाई, ये जो अपने पास 1764 का स्क्वेयर रूट है स्टूडेंट, और स्क्वेयर रूट पीछे से 2 का पेयर, आगे सिंगल है डबल उसको सर्कल, पीछे 4 है तो 4 या तो 2 के स्क्वेयर पे हो सकता है या 8 के स्क्वेयर पे हो सकता है, सही है। 17 किसके स्क्वेयर से कम, आप बोलोगे 4 के स्क्वेयर से कम है, और 4 को एक वैल्यू बढ़ा के गुणा कर दो, 4 × 5 = 20, 20 से 17 छोटा, इन दोनों में छोटा 2, तो क्या ये 42 नहीं हो जाएगा, बोलो। और इनटू में अपने पास क्या है स्टूडेंट, 5, आ रही है बात समझ में, और इज इक्वल टू ये अपने पास, आप ये देखो इसमें से जब आप 112 149 में से 112 घटाओगे तो 37 बचेगा और 0.8, और डेसिमल हटा दो तो बटे में 10, देखो सही है। अब ये बताओ, इस 0 1 0 के साथ आमने सामने कैंसिल, और 5 के साथ इसको उड़ा दे, 5 × 2 और 2 के साथ इसको उड़ा दे 21, ठीक है, और 21 के साथ जब इसको काटोगे 18 पे पूरा कट जाएगा, और रूट एक्स, जब रूट एक्स है तो यहां स्क्वेयर रूट तो वहां के स्क्वेयर, तो 18 का स्क्वेयर आप सारे जानते हो 3 = 24, और यही अपना पहले क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है। देखो स्टूडेंट, मैं ये क्वेश्चन आपको इसलिए कर करके दिखा रहा हूं क्योंकि ये कोई नहीं करवाता, और इनके इनको हमने एग्जाम में सोल्व कैसे करना होता है, कैसे देखना होता है, एक बार जब मैं करवाऊंगा तभी तो आप करोगे इन क्वेश्चनों को। छोटी छोटी सिली मिस्टेक जहां होते हैं वो चीजें आपको पता चलेंगी कि हाँ ये इस स्टेप पे हम यहां ऐसे गलती करते हैं, तो आप आगे नहीं होंगे, एक बार नोट कर लो, जल्दी आगे चलते हैं। दसवां क्वेश्चन देखो, टेंथ क्वेश्चन, अब ये 7072, अब ये देखो जब मैं इसको सोल्व करूंगा, मैं इसका सॉल्यूशन लिख रहा हूं, ये सारा का सारा ही वैल्यू इसके डिवाइड में है, तो जब आप इसको लिखोगे 7072 / 16 इंटू ऑफ का मतलब इंटू
84 और परसेंटेज के नाम का 100 ऊपर आ जाएगा। सही है, यही लिखा जाएगा कि नहीं लिखा जाएगा? इज इक्वल टू, थोड़ा बच्चे ये सोचते हैं कैलकुलेटिव है, सिर्फ आप सही अप्रोच से काम करते रहो। 30 इंटू 12 एकम 12 और एक 13, 13/12 ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई, क्योंकि पहले ऑफ सोल्व होना और इसका मतलब डिवाइड, एक्स बाय 39। सही है, तो ये बताओ जो कटता है काट दो, 13 3 39 सही है, और 3 के साथ इसको काट दिया 10, 10 के साथ 10। क्लियर है, यहां तक आ रही है बात समझ में? अब आप ही बताओ, इसको मैं 16 पे ही काट देता हूं, 16 चौके 64 चार बचा, और 16 चौके 64 6 बचा अपने पास। आगे फिर 16 चौके 64 3 और 16 2 32 ये 442 पे कट गया, और जैसे 442 देखा और 884 ये 2 पे पूरा पूरा कट जाएगा। अरे सही है कि नहीं है? और 2 5 10 देखो, जैसे अगर आप प्रॉपर लिखोगे, सही वैल्यू को सही पुट करोगे, अपने आप ही कट जाएगा, क्योंकि सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है, पूरा पूरा कटेगा। और आप ये बताओ 12 5 क्योंकि आपस में मल्टीप्लाई होना है और तो बाकी सब कट चुका है, इसको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो 12 5 60 एक्स की वैल्यू का 60 नहीं हो जाएगी, और यही आंसर है अपना। एक बार नोट कर लो जल्दी से, बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन पे, 11वें पे। मैं इसको मिटा देता हूं, ये तो नोट कर ही लिया होगा आपने। थर्ड क्वेश्चन में देखो, ये अपने पास दिया हुआ है 13 + 2 इंटू √5 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू में √5 + 189 ये दिया हुआ है। अब हमें पता है ये इस पूरी वैल्यू को हमने क्या मान लिया a, और ये पूरी वैल्यू क्या मान लिया b, और a प्लस b का स्क्वायर सारे जानते होंगे, a प्लस b का होल स्क्वायर, तो आप बोलोगे ए स्क्वायर जमा बी स्क्वायर जमा 2ab, यही होता है, सभी को पता ही है। तो ए स्क्वायर, ए क्या है 13 का स्क्वायर 169 प्लस बी स्क्वायर, बी क्या है अपना 2 × √5 2 × 4 और √5 × √5 5 तो 4 5 20 प्लस 2ab भी है 13 × 26 2ab 26 × 52 52 × √5 अरे जब 2 × 13 × 2 × √5 करोगे, क्या 13 × 26 × 52 52 × √5 एज इट इज होगा, इज इक्वल टू में एक्स इंटू में √5 और प्लस में 189। क्लियर है? अब आप ये देख रहे हो, इसको जब आप ऐड करोगे ये भी 189, ये भी प्लस है यहाँ के माइनस, तो ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा जब आप इसको इस तरफ लेके आओगे, -1 - 1 प्लस। अब यहां देखो बस, अब तो क्वेश्चन खत्म, क्योंकि ये 52 × √5 है, x × √5 और √5 से √5 भी कैंसिल, आमने सामने मल्टीप्लाई में है, कट जाएगा, तो x की वैल्यू स्टूडेंट क्या 52 नहीं हो जाएगी, और यही आंसर है अपना। नोट कर लो जल्दी से इसको भी, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 था। देखो बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 देखो, 12th ये क्वेश्चन लिखा हुआ, आप ये बताओ, इन ऐसे क्वेश्चनों में हम सिर्फ क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, तो x इंटू एक्स तो स्टूडेंट क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इस ये रूट में जब वैल्यू अपने पास अलग अलग है, तो और
ये अपने पास क्या रेडिकेंट जब सेम हो, रेडिकेंट क्या हो सेम, तो इकट्ठा मल्टीप्लाई हो जाता है 162 × 128 का होल स्क्वायर रूट। क्लियर है, ऐसे लिखोगे। पहले तो आप ये देखो इसको मल्टीप्लाई नहीं करने बैठना, अभी इनको मल्टीप्लाई करोगे फिर उसका स्क्वायर रूट निकालोगे, क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, ऐसे खुद ही लंबा बना दोगे आप इसको। आप ये देखो इस चीज को, अगर मैं इनको ध्यान से देखूं, क्या ये अपने पास 81 × 2 और ये क्या 64 × 2 नहीं है, सही है कि नहीं है? और ये 81 क्या 9 × 9 और ये 2 × 8 × 8 और ये 2। अरे अब ये देखो ये बन गया, और आपको पता है स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर बाहर आ जाते हैं, यहां से ये 9, यहां से ये 2 और यहां से ये 8 और स्क्वायर रूट कैंसिल। क्लियर है? लेकिन अब ये स्क्वायर यहां के फिर स्क्वायर रूट बनेगा, स्क्वायर फिर स्क्वायर रूट बनेगा। अब आप ये बताओ 8 × 2 = 16, 16 का मतलब क्या होता है 4 × 4 और 9 का मतलब 3 × 3, सही है? तो ये फिर से जब x की वैल्यू निकालोगे 3 बाहर और यहां से 4, तो आंसर सिंपल देखो कितनी जल्दी से इस क्वेश्चन को कर दिया आंसर 12। नोट कर दो स्टूडेंट जल्दी से भाई, इस टाइप के क्वेश्चन जब रूट के अंदर ऐसी ऐसी बड़ी बड़ी वैल्यू हो आप उसको ब्रेक कर दो। क्लियर है? देखो आगे, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे। थर्टीन वाले क्वेश्चन में देखो सिर्फ क्या दिया हुआ है, हमें ये पूछ रहा है कि क्यूब रूट आता है कि नहीं निकालना। क्यूब रूट ऑफ 35,937 इंटू में 1331 इज इक्वल टू में 121 और इंटू में एक्स। बस क्यूब रूट में पीछे से 3 का पेयर और आगे सिंगल या डबल उसको सर्कल, लास्ट वाई डिजिट का क्यूब करते हैं 7³, 343। जो स्टूडेंट पहली बार वीडियो देख रहे हैं इससे पहले वाले दोनों लेक्चर देखो, और इससे पहले दोनों लेक्चर देखने से पहले जो भी मैं ये क्यूब, क्यूब रूट, स्क्वायर, स्क्वायर रूट की फंडामेंटल के ऊपर 11 क्लासें डाल चुका हूं, चैनल को सब्सक्राइब करो और शुरू से लेकर लास्ट तक देखो, फिर आपको सारी बातें समझ में आ जाएंगी, ये गारंटी है मेरी। तो लास्ट वाई डिजिट के क्यूब का लास्ट अक्षर लेते हैं और पूरे काट दो। अब आप ये देखो ये 35 किसके क्यूब से कम है, तो 4 का क्यूब 64 होता है, 64 से ये 35 कम है, तो 4 से कम 3, 4 से कम क्या होगा 3, बस ये इसका क्यूब रूट 33 इंटू में। अब आप ये देखो ये क्या, अगर मैं ध्यान से देखूं क्या 11 × 11 × 11 11 क्यूब नहीं है और ये 11 × 11 नहीं है, इसके साथ ये कैंसिल और ये सिर्फ 11 बचा इज इक्वल टू एक्स। और आपको क्या 11 के साथ मल्टीप्लाई करना नहीं बता रखा, 11 के साथ किसी भी वैल्यू को मल्टीप्लाई, 3 का 3 3 × 3 = 6 और 3 × 3 = 6 और ये 3, तो एक्स की वैल्यू यानी कि जो आंसर है 363 हो जाएगा नहीं हो जाएगा। स्टूडेंट जल्दी से नोट कर लो, ये क्वेश्चन नंबर हमारा था 13। आगे बढ़ते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 14 बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, यहां आपको देखो एक बात सीखने को मिलेगी, मैं एक बार लिख देता हूं 27% ऑफ ये 450 लिखा हुआ है, अभी इतना देखो ये लिखा हुआ है और मैंने आपको बोला था अभी 27% की फ्रैक्शन तो 27/100 होगी, क्या मैं इस परसेंटेज को यहाँ पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल कर सकता हूँ क्योंकि बीच में ऑफ है, इस परसेंटेज को अगर हम यहाँ शिफ्ट कर दें तो वैल्यू के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगी, और इस चीज़ को हम क्या लिख दें 400% + 50% लिख दें, तो किसी भी वैल्यू का 100% तो खुद वो वैल्यू होती है कि नहीं होती, तो जब इसका 100% ये 27 है तो इसका 400% यानी कि इसका 4 × 27 × 4
27 गुणा दो 54, 54 का डबल 108, ये तो 400% प्लस 27 का 50% यानी कि 27 का आधा 13.5, इसको ऐड करोगे तो 121.5, ये सोल्व हो चुका है हमारा, क्लियर है। अब आप ये बताओ सिंपली, ये सारी की सारी बात माइनस की वहां रख दे और ये माइनस, ये प्लस है यहां के माइनस इज इक्वल टू एक्स इंटू में 375/100 परसेंटेज के नाम का। अरे स्टूडेंट्स बात आ रही है समझ में, इसमें से माइनस कर दे 121.5 76.5, ये जीरो, ये अपने पास 11 में से 6 गया 5 और ये 4, 45 बचा, 45 ठीक है। इज इक्वल टू में 375 इंटू में एक्स और अपॉन में 100। अब ये बताओ 15 × 3 = 45, 15 × 2 = 30, 15 × 5 = 75, आ रही है समझ में, 25 × 4 = 100 और 4 × 3 = 12, और यही इस क्वेश्चन का आंसर। तो बस इस क्वेश्चन में मेन आपने क्या सीखा कि जब इस ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपने परसेंटेज को वहां शिफ्ट कर देना जहां आप उसको आसानी से ब्रेक कर पाओ, ठीक है। लिखो जल्दी से, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर देखो 15th, क्वेश्चन नंबर 15th में भी देखो, जो बच्चे अब जैसे ये लिखा हुआ है 15th, 9.8 इंटू में 745 इंटू में 49 इंटू में 149 का होल स्क्वायर रूट इज इक्वल टू एक्स इंटू में 49 ये लिखा हुआ है। तो इतनी बातों में पता चलता है कि अगर हम इसको पूरी डिटेल में करें तो क्वेश्चन बहुत बड़ा था, हम खुद ही बड़ा बना लेते हैं क्वेश्चन को कैलकुलेटिव। हमें पता है कि स्क्वायर रूट में दो दो के पेयर आने हैं, अब एक वैल्यू ये 49 और एक वैल्यू ये 149, तो यहाँ भी हमें 100% 49 और 149 जरूर बनेगा, तभी तो परफेक्ट स्क्वायर रूट दिया हुआ है ये, सही है। और जैसे मैंने इस वैल्यू को देखा 98 को, क्या इस 98 में मुझे 49 नहीं दिख रहा? अरे इसका डबल, जब 49 इंटू 0.2 करूंगा तो यही आएगा, और इनटू में 745 और इसको इसके साथ चिपका दो, जब 0.2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे 49 इंटू 149 ही हो जाएगा, और इनटू में 49 और इनटू में 149 का स्क्वायर रूट। अब देखो क्वेश्चन में क्या कुछ बचा है, दो का पेयर कंप्लीट ये बाहर, दो का पेयर कंप्लीट ये बाहर, x इंटू में 49 और ये 49 से 49, तो ये 149 इस क्वेश्चन का आंसर, क्लियर है। तो स्टूडेंट्स होप आप सभी को आज की क्लास अच्छी लगी होगी, तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो अच्छी लगती है, मैं बार बार एक ही बात बोलता हूँ, अगर आपको अच्छी लगे दिल से लाइक शेयर और कमेंट जरूर किया करो, और वीडियो को आगे जरूर शेयर किया करो जो स्टूडेंट पढ़ने वाले हैं अभी, ताकि वो प्रॉपर ऑफलाइन की फीलिंग ले पाए, क्योंकि हमारी रूटीन में क्लास चलती है यहाँ, और डेली 4 बजे के आसपास, 4 से 5 बजे के बीच में क्लास अपलोड हो जाती है। तो स्टूडेंट्स जो पहली बार जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करो, इससे पहले वाले दोनों लेक्चर जरूर देखो, और वो दोनों लेक्चर भी तभी समझ में आएंगे जब आप फंडामेंटल की क्लास 1x1 करके सारे देख लोगे। ओके स्टूडेंट, मिलते हैं कल की क्लास में सिंप्लीफिकेशन के day 4 में, और जैसे ही हमारे पास ये सिंप्लीफिकेशन बैंक वाली ख़त्म होगी, हम SSC की सिंप्लीफिकेशन कर रहे होंगे और बहुत अच्छे लेवल पे कर रहे होंगे। ओके स्टूडेंट ऑल द बेस्ट, बाय बाय।